अरे ये सच का दर्शन करिए, सुधार का रास्ता ढूंढिए ना। तो लफाजी करने से बिहार का स्वस्थ मकमा ठीक हो जाएगा, बेरोजगारी दूर हो जाएगा। नीति आयोग की रिपोर्ट बिहार की दुर्दशा को साफ साफ स्पष्ट कर दी है। दोनों सीट जीतेंगे, टर टर बरसाती मेढक की तरह करते रह जाएंगे और दोनों सीटें हम जीत करके फिर लेके चले आएंगे। उम्मीदवार का नाम बता देंगे समय आने पर। नमस्कार, मेरा नाम निखिल, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि बिहार में स्वास्थ्य के हालात को दिखाया गया है। बताया गया कि 1,00,000 लोगों पर मात्र 6 बेड हैं। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह हैं, सर से बात करेंगे। ये बताइए सर, नीति आयोग की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि 1,00,000 लोगों पर सिर्फ 6 बेड है। देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि बिहार में स्वास्थ्य महकमा बिल्कुल फिसड्डी है, 15वें स्थान पे है। जिला अस्पतालों में 1,00,000 की आबादी पर 6 बेड है। ऊंट के मुंह में जीरा है और सीना ठोकते हैं। इतना अमृत मंथन हो रहा है लाखों हजार करोड़ रुपए का, फिर भी स्वास्थ्य महकमा कहीं ना कहीं दम तोड़ता दिखाई पड़ रहा है। फर्स्ट कोरोना वेव में पूरे नेशनल मीडिया ने इनके बद इंतजामी का, स्वास्थ्य के बदसूरत हाल का साफ साफ बता दिया था देश भर के लोगों के सामने। पर ये है कि मानते नहीं, नीतीश जी हैं कि मानते नहीं। आप ही की सरकार की रपट है भाई नीतीश जी, मान लीजिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी। ये हम तेजस्वी जी का नीति आयोग नहीं है, नीति आयोग भारत सरकार की है जिसके मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और NDA के यहाँ मुखिया आप हैं। अब किस क्यों अपच लग रहा है? बिहार को जिस हालात में आपने ढकेला है, 13 करोड़ आबादी आज करा रही है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और स्वास्थ्य महकमा बढ़िया होता तो ये अपना आँख दिखावे बाहर जाते जी, ये बताने की जरूरत है। यहीं अगर सब कुछ होता तो क्यों बाहर जाता कोई, बता दीजिए हमको जरा सा। तो हर क्षेत्रों में अमंगल साया है एकदम स्वास्थ्य महकमे पर, इससे कोई नकार नहीं सकता। फिर भी इनके प्रवक्ता पता नहीं कौन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, इन लोगों का कहरा का कोई ज्ञान कराता है कि नहीं कराता है, क्या क्या बोल जाते हैं भाई। अरे अपना सूरत हाल देख लो भाई, NCRB का रिपोर्ट देख लीजिए ना, कहाँ है क्राइम के मामले, अपहरण के मामले में, चिंतौरी के मामले में। वो भी हम ही बनाते हैं क्या, वो भी भारतीय सरकार बनाती है। जीवेश मिश्रा कह रहे हैं कि राजद 2005 तक तेल में लाठी पिरो रही थी इसलिए ऐसे हालात। इतने दादा के नाम पर कितना दिन जिंदगी जीना चाहते हैं वो। 2005 के पहले हालात 2015 जो साल का हालात से बेहतर था। जिस महकमे के वो मंत्री हैं ना, सबसे बदहाल स्थिति है, बेरोजगारी का केंद्र है बिहार, अपना विभाग ठीक होने करने चले नहीं हैं, लगे हुए हैं एकदम लूट सको जो लूट अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएगा छोटी सी स्थिति में, क्या लोग ही करेंगे। अरे ये सच का दर्शन करिए, सुधार का रास्ता ढूंढिए ना। तो लफाजी करने से बिहार का स्वस्थ मकमा ठीक हो जाएगा, बेरोजगारी दूर हो जाएगा। नीति आयोग की रिपोर्ट बिहार की दुर्दशा को साफ साफ स्पष्ट कर दी है। आगामी 2 उपचुनाव हैं और उसको लेकर जदयू दावा ठोक रही है, इसको कैसे देखें? जदयू दावा ठोकेगी नहीं, पार्टी पॉलिटिकल पार्टी लड़ेगी नहीं। कह रहे हैं कि हमारा यही सीट है, सीट पर कब्जा है। बोहनी होगा, दोनों सीट पर हम जीत के आ रहे हैं, कहीं दिखाई पड़ेंगे, जवान तो बचेगा जी। बिहार की जनभावना तेजस्वी जी के साथ है। झूठ बोलने वाले, असत्य बोलने वाले, जनता को भरमाने वाले लोगों के साथ नहीं है। दोनों सीट जीतेंगे, टर टर बरसाती मेढक की तरह करते रह जाएंगे और दोनों सीटें हम जीत करके फिर लेके चले आएंगे। उम्मीदवार का नाम बता देंगे समय आने पर, नहीं तो फैसला लेगा कहाँ क्या है। गठबंधन पूरी तरह से मजबूती के साथ चलेगा। तो ये थे शक्ति सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर दावा किया कि 2 उपचुनाव में हम लोग जीत रहे हैं और जदयू कहीं नहीं दिखने वाली। और भी अपडेट्स देंगे, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।